देखिए बिहार की स्थिति क्यों खराब है इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। बिहार के बच्चों का भविष्य क्यों बार बार बर्बाद होते जा रहा है, और जो बिहार के जो बड़े पद पर बैठे लोग हैं बिहार में, ठीक है, जैसे शिक्षा मंत्री हो गया या फिर कोई यूनिवर्सिटी का कुलपति हो गया, तो ये सब इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, अभी मैं 7th सेम में हूँ, और 7th सेम का बीते रात मैं बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, ठीक ना, 7th सेम में मैं हूँ, तो रात में 7th सेम का जो है एग्जाम का नोटिस आया। पहले 5 तारीख का नोटिस था कि 5 तारीख से एग्जाम होगा, 5 मार्च से, तो 5 मार्च से एग्जाम नहीं हुआ। अभी एग्जाम आया है, नोटिस आया है कि एग्जाम जो होगा वह 16 मार्च से होगा। अब देखें इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बार का एग्जाम है, ठीक है ना, उसी बीच में 16 बार का एग्जाम है, उसके बाद NPTEL का एग्जाम है। जो बच्चे NPTEL भरेंगे उसका NPTEL गया, जो बार का एग्जाम भरे होंगे वो बार का एग्जाम गया। साथ ही IIT पटना में कुछ फेस्ट हैं, वहाँ बच्चों जाने वाले थे, बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज के 7th सेम के भी कुछ हमारे बैचमेट्स भी जाने वाले थे, उन्होंने बाकायदा पेमेंट भी कर दिया था 4500-5000 रुपये के आसपास, ठीक है। अब ये लोग कैसे जा पाएंगे, एग्जाम देंगे या फिर वो IIT पटना में जाएं, IIT में जाएंगे, ठीक है। तो बिहार के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो जो शिक्षा जो जो बैठे हैं, जो एग्जाम काउंसलर हैं, एग्जाम वो किस आधार पे ये एग्जाम जो लाए हैं कि एग्जाम होगा इस बीच में, ठीक ना, क्योंकि इसी बीच बहुत सारा एग्जाम जो है जो होने वाला है, तो कैसे एग्जाम होगा बताइए उन लोगों का, जो लोगों ने NPTEL भरा हुआ वो कैसे एग्जाम देगा, जिन्होंने बार का एग्जाम दिया फॉर्म भरा वो लोग कैसे एग्जाम दे पाएंगे, या तो ये एग्जाम देंगे या तो वो एग्जाम देंगे, तो उनका तो छूट गया। और फिर जो इनका NPTEL एग्जाम है वो भी, उनका NPTEL भी, जैसे मेरा एक दोस्त है उसको 23 मार्च को NPTEL का एग्जाम है, और 23 मार्च का एग्जाम भी है उसका NSEM का, कैसे होगा। तो एक उसका सर्टिफिकेट भी गया, उस सब्जेक्ट में वो फेल भी हो जाएगा, उस सब्जेक्ट में उसका कैरी लग गया, फिर 700 रुपया ऊपर से कैरी पेपर के तौर पे उसको भरना पड़ेगा फिर अगले बार। तो बिहार के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं या फिर बड़े पदों पे जो बैठे हुए हैं वो कितने मूर्ख हैं, आप इस बात से समझ सकते हैं क्या स्थिति है उन लोगों की। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मैं देखिए बार का एग्जाम है, ठीक है, बार का एग्जाम है, और एग्जाम रिशेड्यूलिंग के लिए लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बार का जो एग्जाम है उसको रिशेड्यूल कर दिया जाए, कि हम लोग का 7th सेम का एग्जाम है, ठीक है। ट्विटर पर ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग का बार का एग्जाम है, तो कृपया बार का एग्जाम को, और देखिए मैं आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। देखिए टेक फेस्ट IIT रुड़की में टेक फेस्ट हो रहा है, जो कि मैंने शुरू में बताया था कि IIT रुड़की में टेक फेस्ट हो रहा है, ठीक है, 15 मार्च से 17 मार्च के बीच, ठीक ना, और 16 मार्च को एग्जाम है। तो बताइए IIT रुड़की को कैसे जा पाएंगे, क्योंकि इतना दूर है, जाने में भी टाइम लगेगा, एक दिन जाने में लगेगा, एक दिन आने में लगेगा, तो हो गया एग्जाम गया उनका, एग्जाम को छूट गया उसका। और सिंपल सी बात थी, एग्जाम लेना था तो पहले बता देते, या फिर उनको नहीं पता था कि ये सब चीजें हैं, NPTEL का एग्जाम है, फिर टेक फेस्ट है IIT में, ठीक ना, 5000-5000 रुपये बुकिंग किए IIT के लिए टेक फेस्ट में जाने के लिए, और फिर उनका नहीं जा पाएंगे, उनका 5000 रुपया बुर गया, बर्बाद हो गया, और ना ही वो अपना आइडिया वहां पे दे पाए टेक फेस्ट में। ये सारी चीजें हैं बिहार बिहार में होती हैं, ठीक है, बिहार में होती हैं, यही सारी चीजें होती है बिहार में। बिहार के बच्चों का भविष्य ऐसे ही बर्बाद किया जाता है जानबूझकर। इतने पढ़े लिखे लोग बैठे हैं यूनिवर्सिटी में, आप इस बात से समझ सकते हैं कि उनको यह नहीं पता था कि बार का एग्जाम, उनको नहीं पता है कि NPTEL के, इनको यह नहीं पता है कि IIT रुड़की में टेक फेस्ट हो रहा है, उनको बच्चों को वहां भी जाना है, उस तरह की सुविधा तो मिल नहीं रहा बिहार में कि यहाँ भी टेक फेस्ट हो कोई बड़े लेवल का, और IIT के बच्चे यहाँ हैं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा। बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज का लेवल जो है वो ना के बराबर है, टायर 3 टायर 4 में आता है, ये सबसे लोएस्ट कॉलेज जो होगा ना उसमें भी आता है। प्लेसमेंट के नाम पे 0 है, सुविधाएं के नाम पर 0 है, कुछ सुविधा नहीं दी जा रहा है। बिहार के कॉलेजेस में अगर घूमेंगे ना तो वहां आपको दिखेगा पूरा जंगल टाइप का रहता है, हर कॉलेज जंगल टाइप का, नया कॉलेज जो होगा वही साफ सुथरा होगा, नहीं तो जो पुराना कॉलेज पूरा जंगल टाइप का रहता है। प्रैक्टिकल का कोई सुविधा नहीं है वहां को, नहीं नहीं कोई लैब है, कुछ सुविधा नहीं है वहां पे। तो यूनिवर्सिटी से तो एक ही रिक्वेस्ट रहेगी बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी BU से, या तो आप डेट बढ़ा दें, ठीक है ना,
या तो बोल दे कि एनपीटीएल का डेट चेंज कर दे या तो बार का डेट चेंज कर दे, क्योंकि वो सब तो चेंज करने वाले हैं नहीं। आप कर सकते हैं तो बीओ ही कर सकता है कि वो अपना जो वो डेट है वो आगे बढ़ा दे, 1 अप्रैल से कर ले, 1 अप्रैल से कुछ नहीं है शायद, 1 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच एग्जाम हो जाएगा, 1 से 10 के बीच एग्जाम हो जाएगा, उस बीच एग्जाम ले ले, क्या दिक्कत है। बिहार के बच्चों का ये लोग भविष्य जानबूझकर बर्बाद कर रहे हैं, उनका टाइम भी खराब कर रहे हैं, ठीक ना, उनकी मेहनत भी खराब कर रहे हैं और ना ही कुछ आउटपुट मिल रहा है। और ये लोग ट्विटर पर जाके, विद्यार्थी लोग ट्विटर पर जाके बोल रहे हैं कि ट्वीट कीजिए, रिट्वीट कीजिए, ये सब चीजें कर रहे हैं। एक बच्चों का प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे बच्चों का ये प्रॉब्लम है।